उनके पास पॉलीप्लेक्स के 50 शेयर है, 2300 के भाव पर उनके पास ये शेयर है। अविनाश क्या राय होगी, जब पूछना चाह रहे हैं क्या करे, होल्ड करे या निकल जाए? वैसे भी देख रहे हैं कि जुलाई के बाद से लगातार शेयर में जो है, खासतौर पर पिछले साल जुलाई से ही देखिए, लगातार शेयर में गिरावट देखने को ही मिल रही है। देखिए मनीष, मुझे लग रहा है कि एंटायर पॉलिएस्टर पैकेजिंग फिल्म जो सेक्टर है वो बहुत चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है। पहले तो डिमांड कम हो चुकी है, दूसरा रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़ गए हैं, और मुझे लग रहा है कि पॉलीप्लेक्स जिनका नॉट ओनली डोमेस्टिक बट थाईलैंड में भी जो यूनिट है, उनके लिए दिक्कत यही है कि डिमांड कम होने के कारण उनका जो पिछले एक दो क्वार्टर का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही खराब आ चुका है। ऐसा लग तो नहीं रहा है कि अगले एक या दो क्वार्टर्स के लिए कोई इंप्रूवमेंट आएगी, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी नहीं। लॉन्गर टर्म में नजरिया अगर 12-18 महीने का है तो डेफिनेटली इसमें रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, लेकिन इनका काफी पैसा ऑलरेडी डाउन है इनके बाइंग प्राइस से, तो मैं इनको सुझाव दूंगा कि अगर ये कोई दूसरे स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कमिंस है, उसके बाद एलएनटी है, मुझे लग रहा है कि देखिए जो सेक्टर अभी तेजी से चल रहा है और जहां पे ग्रोथ मोमेंटम विजिबल दिख रहा है वहां पे पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आधा ऑलमोस्ट इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो ये स्विच करे तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा बनेगा और उनका जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है अगले 12-15 महीने। पॉलीप्लेक्स एक शेयर पर अविनाश का सीधे तौर पर यह कहना है कि इससे आप निकल जाइए, इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है।